गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को ठंडी की मौसम कैसी लगती है? ठंडी में बहुत ही ठंड पड़ती है, विंटर में बहुत ठंड पड़ती है ना, तो ठंडी में बहुत ऐसे गरम गरम कपड़े पहनने का मज़ा आता है, फिर खाने पीने का भी मज़ा आता है। तो आप लोगों ने टमाटर देखा है? टमाटर जो लाल लाल गोल गोल होता है ना, तो ये टमाटर जब हम फ्रीज में रखते हैं तो एकदम कड़क हो जाता है ना, ठंडा ठंडा। तो ये टमाटर आज हम टमाटर खाने का मज़ा भी तो बहुत आता है, ठंडा ठंडा गोल गोल ऐसे होता है ना। तो आज हम एक टमाटर की जो कविता है वो आज हम पढ़ेंगे। उसका नाम है ठंडी। स्टैंडर्ड है हमारा 5th, उसमें एक कविता आती है वो है ठंडी, वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है ठंडी, इसके लेखक है कृष्ण दवे। सबसे पहले देखो ये टमाटर का चित्र है ना, तो ये टमाटर को बहुत ही ठंडी लगती है, तो यहाँ पर फ्रीज भी है, ये टमाटर फ्रीज में रखे हुए हैं तो ठंडे ठंडे हो जाएंगे ना, तो टमाटर को ठंडी लगती है, तो नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए टमाटर है वो यहाँ पर कविता में अपने बारे में बता रहा है। देखो हम यहाँ पर सबसे पहले ये कविता है वो पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ना, मजा आएगा। देखो सबसे पहले देखो, कहे टमेटो मने फ्रीज मा बहु लागे छे ठंडी, कहे टमेटो मने फ्रीज मा बहु लागे छे ठंडी, दूधी मासी चट पेरावो बंडी, आना करता हता डाळ पर रमता अड़को दड़को, मीठो मीठो मनेज लागतो ए सवार नो तड़को, अही बसतो छेज ठंडी ठंडी अने बरफना गाम, कोणे फ्रीज बनाव्यो जे मानथी हूफनु नाम, त्या दरवाजो खुल्यो फ्रीज नो लेवा माटे घारी, मूड़ा भैये टपमेटा ने टपाक टपली मारी, दड़ दड़ करतू गयू टमेटू छेक फ्रीज नी बहार, बारी माथी सूरज जोयो नथी खुशी नो पार, त्याना नाबे किरणो आव्या पार करीने सड़को, कहे टमेटा राजा पहरो मीठो मीठो तड़को, कहे टमेटा राजा पहरो मीठो मीठो तड़को। तो ये टमाटर है वो अपने बारे में बता रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कम है टमेटो मने फ्रिज मा बहु लागे छे ठंडी, दूधी मासी चट पेराओ बंडी। ये टमाटर ये बोल रहा है, टमाटर कह रहा है कि मुझे फ्रिज में बहुत ही ठंडी लगती है, तो इसलिए दूधी मासी जल्दी आइए, मुझे देखो यहाँ पे फ्रीज में दूधी रखी हुई है टमाटर के पास, तो वो दूधी मासी को बुला रहा है। क्या कह रहा है कि दूधी मासी मुझे जल्दी से बंडी पहना दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, आना करता हता डाल पर रमता अड़को दड़को, मीठो मीठो मनेज लागतो ये सवार नो तड़को। फिर बोलता है इससे तो अच्छा था कि हम डाली पर थे, तब तो हम वो रमत आती है ना, खेल आता है अड़को दड़को ऐसे खेलने की, वो खेल हम खेलकर हमें बहुत ही मजा आता था, एक दूसरे के साथ हम खेल खेलते थे तो हमें मजा आता था, तो हमें सुबह सुबह का जो धूप होती है सुबह की वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। फिर अही बस तो छे ठंडी ठंडी अने बर्फ ना गाम,
फिर बोलता है कि बस यहाँ पर तो ठंडी ही ठंडी है और यहाँ पर सिर्फ बर्फ के गांव है। तो फ्रिज में तो बहुत ही ठंडी लगती है ना, तो फ्रिज में तो बहुत बर्फ होता है अंदर। तो ये टमाटर बोल रहा है यहाँ पे तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, जब हम डाली पर थे तब बहुत ही हमें धूप मिलती थी, सूरज की किरणों से बहुत ही धूप मिलती थी, और यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रिज में धूप ही नहीं है, तो मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। फिर बोलता है कि कोणी फ्रिज बनाव्यू जेमा नथी हूफनू नाम। फिर बोलता है टमाटर ये फ्रिज को किसने बनाया है जिसमें थोड़ी सी भी गर्मी हूफ नहीं है। त्या फिर बोलता है टमाटर कि त्या दरवाजो खुल्यो फ्रीजनो लेवा माटे घरी मोड़ा भाईये टमेटाने टपाक टपली मारी। फिर ये टमाटर क्या बोलता है कि थोड़ी देर में यहाँ पे किसी ने घारी मतलब एक प्रकार की मिठाई होती है वो लेने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोला, तो ये मूली भी यहाँ पर है उसके पास ही थी, तो ये मूली टमाटर के पास जो मूली थी उसने टमाटर को धीरे से थपाट लगाई, तो क्या हुआ उसके बाद कि दड़दड़ करतू गयू टमेटू छेक फ्रीजनी बाहर। तो ये टमाटर को जब थोड़ी सी थपाट लगाई मूली ने तो ये टमाटर जल्दी से दड़दड़ मतलब धीरे धीरे से टमाटर कहाँ गया फ्रिज के बाहर चला गया। फिर बारी माथी सूरज जोयो नथी खुशीनो पार त्याना नाबे किरणों आव्या पार करीने सड़को। फिर क्या हुआ कि जो मूली ने टमाटर को थपाट गई तो टमाटर धीरे से नीचे लुढ़कता हुआ फ्रिज से बाहर आ गया। तो फिर तो ये धूप को देखकर सूरज को देखकर टमाटर बहुत ही खुश हो गया, फिर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ कि छोटे छोटे दो किरणें सूरज की आई वो पार करके सड़कों को। फिर क्या बोलती है कहे टमेटा राजा पहरो मीठो मीठो तड़को। तो ये धूप बोलती है सूरज दादा की दो किरणें सड़कों से पार करके टमाटर को बोलती है कि ये टमाटर राजा आप हमारे इस धूप का आनंद लीजिए और इसकी एक चादर को पहन लीजिए तो आपको ठंड है वो बिल्कुल नहीं लगेगी, आपकी ठंड उड़ जाएगी, फिर आपको मजा आएगा। तो टमाटर बहुत ही खुश हो गया फ्रिज के बाहर आकर, और ठंडी उसको बिल्कुल नहीं लगी थी और सूरज की किरणें मिली तो उसे धूप मिली सूरज की, तो वो खुश हो गया बहुत। देखो यहाँ पर टमाटर है वो बाहर निकला अंदर से तो कितना खुशहाल हो गया, स्माइल दे रहा है। तो ये हमारा काव्य है, बहुत ही अच्छा काव्य है, आप भी घर पर ये पढ़ना और टमाटर पढ़कर टमाटर भी खाना, टमाटर खाते खाते बढ़ना तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद है पीछे देखो कविता पढ़ने में आपको मजा आया होगा ना, उसके बाद हम देखेंगे कि कविता में जो जो ऐसे वर्ड्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो उसके शब्द समझो यहाँ पर पीछे दी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले है बंडी, तो बंडी मतलब ऐसी एक छोटी सी हमारे लिए पहनने का एक डगला जैसा आता है पहरण, उसको बोलते हैं बंडी। फिर है अड़को दड़को मतलब एक रम्मत होती है, खेल होता है। फिर है हूंफ, हूंफ मतलब गर्मी। फिर है घारी, तो मैंने अभी बताया ना कि एक मिठाई का नाम है, इसको बोलते हैं घारी। उसके बाद है
क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज नीचेना प्रश्नों ना उत्तर एक एक वाक्य में लखो। सबसे पहले है फ्रिज में ठंडी होने लागे छे। फ्रिज में ठंडी किसे लगती है? तो फ्रिज में ठंडी टमाटर को लगती है। दूसरा क्वेश्चन है टमेटो बंडी पहरवा कोने कहे छे। टमाटर बंडी पहनाने को किसे बोल रहा है? तो टमेटो बंडी पहरा हुआ दूधी मासी ने कहे छे। तो मैं टमाटर बंडी पहनाने को दूधी मासी को कहता है। क्वेश्चन है 3 टमेटा ने दाल पर शा माटे गमे छे। टमाटर को डाली पर बैठना क्यों अच्छा लगता था? तो उसका आंसर है कि टमेटा ने त्यां तेमने डाली पर सूरजनो तड़को आवतो हतो एटले बेसू गमतु हतो। अने डाळ पर जारे बैठा था त्यारे अड़को दड़को रमवानु एने मळतु हतु अने सवारनो तड़को पण मळतो हतो एटले एने डाळ पर गमतु हतु क्योंकि उसे सुबह की धूप मिलती थी और अड़को दड़को जैसा खेल खेलने को मिलता था इसीलिए उसे डाली पर बहुत ही अच्छा लगता था टमाटर को। क्वेश्चन नंबर है 4 फ्रिज का दरवाजा किस लिए खुला? तो फ्रिज नो आंसर छे उसका आंसर है फ्रिज नो दरवाजो खारी लेवा माटे खुल्यो। फ्रिज का दरवाजा मिठाई खारी लेने के लिए खुला। क्वेश्चन 5 है टमेटो खुश केम थयु? टमाटर खुश क्यों हुआ? क्योंकि आंसर है उसका टमेटो सूरज ने जोईने खुश थयु। टमाटर सूरज को देख के खुश हुआ। उसके बाद है ये क्वेश्चन आंसर आपको आ गए होंगे ये आपके लिए होमवर्क में है। नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर है वो लिखने हैं। कविता में से समझ के आपको मैंने अभी समझाया क्वेश्चन आंसर वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 नीचे ना दरेक शब्द ना बे बे वाक्यों लखो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ना फ्रिज एग्जाम्पल है इसका ये वाक्य बनाया है फ्रिज मा पानी ठंडू थाई छे फ्रिज रसोड़ा मा होई छे। फ्रिज का पानी ठंडा होता है और फ्रिज रसोड़े में मतलब किचन में होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये शब्द दिए हैं हमें इसका को इसका वाक्य बनाना है वासी का वाक्य बनाना है 2 ठंडी का 2 तो हम वासी का सबसे पहले कौन सा वाक्य बनाएंगे? तो सबसे पहले है वासी तो वासी खोरा खाशो नहीं वासी खोरा खावा थी मांदा पड़ा। वासी खोरा खाना नहीं चाहिए और वासी खोरा खाने से हम बीमार पड़ते हैं। फिर है ठंडी तो ठंडी का हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? ठंडी शियाला मा ठंडी पड़े छे। जो वाक्य छे ठंडी मा गरम कपड़ा पहराए तो सर्दी के मौसम में ठंडी पड़ती है और ठंडी में गरम कपड़े पहनते हैं। तीसरा है राजा तो राजा दयालु होई छे राजा प्रजा ने सुखी करे छे। राजा दयालु होता है और राजा अपनी प्रजा को सुखी करता है। फिर है सूरज तो सूरज का हम 2
वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले सूरज सवारे उगे छे, सूरज आपने प्रकाश आपे छे, सूरज सुबह आता है और सूरज हमें प्रकाश देता है। इसी तरह आपको भी जैसे मैंने ये दो दो वाक्य बनाए हैं, वैसे एग्जांपल को देख के आप 1 2 3 4 के दो दो वाक्य बनाने हैं। तो आज हम यहाँ पर ही इतना ही पढ़ेंगे। मैंने होमवर्क में आपको दिए है इक्वेशन 1 2 5 और इक्वेशन 1 और क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर है 6, ये आपको नोटबुक में करने हैं। कि बाकी का हम क्वेश्चन 3 है वो हम कल करेंगे। मुझे आपको कविता पढ़ के अच्छा लगा होगा, आप भी ये टमाटर की ठंडी कविता, ठंडी नाम की कविता है वो आप घर पे अच्छे से पढ़ना और गाना, आपको मजा आएगा।